तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं भाई साहब आप लोग? आई होप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यार, पहले तो सभी को भाई दिल से शुक्रिया है कि इतना भाई मेरे चैनल को सपोर्ट देने के लिए, भाई नए चैनल पे इतना सपोर्ट देने के लिए, भाई मतलब मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है आप लोग को बोलने के लिए। बस यही कहूँगा भाई कि ऐसे ही भाई सपोर्ट बनाए रखना। तो यार, अभी का सीन ये होकर भाई मैं चल रहा हूँ यार सिविल लाइन, देख रहे हैं फ़ोन भाई, मेरा फ़ोन कल टूट गया। कुछ चीज़ें यार जहाँ अच्छी होती हैं भाई एक मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए, तो ऊपर से यार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं भाई खर्चे में खर्चा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे चलते हैं भाई मोटो ब्लॉग में। हाँ सो भाई, अपनी फैमिली थोड़ी रूम रूम हो जाए। ओ ऐसा खतरनाक वाला। सो हे प्रयागराज की पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? अरे भाई चचा, ओ चचा भाई, ये चचा वर्ड से ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, पूछिए मत। चचा भाई, एक कार के पीछे पान खा के कौन थूक दिया भाई? ये वही लोग होंगे जो भाई मेरे पे ब्लू ड्रेस पे थूके थे ना भाई, पैंट पे, ऐसे लोग होंगे, देख रहे पूरा पीछे भाई। सो सीधे चलते हैं पहले भाई हम लोग आरपी रेस्टोरेंट के पास, अपना लेंगे वहाँ से पार्सल, देन निकलेंगे सिविल लाइन के लिए। तुरंत पहले अपना लेते हैं फटाक से भाई कुरियर, बताइए वेगा हेलमेट का भाई मंगाया हूँ, अलग से मंगाया हूँ, मतलब थर्ड पार्टी कंपनी थी, तो जिससे विंड नॉइस होती है ना, जिससे आवाज़ ज़्यादा फरफरा है ना, इसकी वजह से भाई। यहाँ पे साइन, ठीक है, हाँ। आपको मैं फाड़ के फटाक से पार्सल दिखा देता हूँ। हैं ये क्या है भाई? किचन तो मंगाया नहीं था, फ्री में दे दिए क्या? हाँ ये है भाई, सही है, यही चीज़ थी। तो इस पर भाई हम आप ही देखिए 45 रुपये लिए हैं, लेकिन भाई ओवरऑल पूरा आके 100 रुपये मेरा लग गया कुरियर चार्ज वार। सो ए भाई ये चीज़ है जो हेलमेट के नीचे लगता है ना ऐसे थोड़ा सा, ताकि एयर वेयर वहाँ पे ना जाए, तो इसको सेट करके देखते हैं अपने में लगेगा कि नहीं, और फिर यहाँ से निकलते सीधे भाई सिविल लाइन्स के लिए। तो भाई यार, आप लोग बोलते हैं कि ब्लॉग भैया थोड़ा बड़ा करिए यार, सोचता हूँ भाई यार कि ब्लॉग को थोड़ा लंबा खींचो, देन भाई क्या बताएं यार, अभी जैसे बताया ना स्टार्टिंग है, तो मेरे को ज़्यादा ब्लॉगिंग का आइडिया है नहीं, तो मेरे को भूल जाता हूँ कि देख रहे हैं भाई दीदी हेलमेट भी नहीं लगाई हैं। कोई नहीं, हम राइडर्स लोग हैं भाई, हम हेलमेट लगा के चलेंगे। आज वीडियो यार बनाने का कोई मूड भी नहीं था, तो देख रहे हैं ग्लव्स वगैरह भी कुछ नहीं पहना हूँ, जबकि भाई ग्लव्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर ट्रैफिक में, क्योंकि साइड से जब भाई हैंडल वगैरह लगती है ना, तो ये जो आपकी लास्ट की उंगली होती है भाई, इसी में इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी भाई ट्रैफिक देख रहे हैं, बताया ना बच्चों की छुट्टी हो गई स्कूल वालों की, तो भाई भयंकर भीड़ हो रखी है, और मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है भाई इस टाइम ये ट्रक वाले भाई कहाँ से इसमें घुसाए चले आ रहे हैं नो एंट्री में, और ना ही यहाँ पे कोई पुलिस वाले लगे हुए हैं। बाबा प्रयागराज है। सो आप देख रहे हैं भाई प्रयागी राइडर, और पूर्व भाई 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 बे भाई, थोड़ा सा मेरे को लगा यार उसमें क्रैश हुआ क्या। अच्छा तो आप कैसे सट जाते हैं, छोड़ो हटाओ भाई, क्या ही बताएं, बता रहा था भाई ना, क्या बता रहा था भाई, ग्लव्स व्लव्स, बस इसीलिए भाई ट्रैफिक में ग्लव्स वगैरह भाई लगा के चलना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ी, ठीक है। सो गाइस, अपना इंदिरा भवन भाई आने वाला है, एक तो ऐसी गरीबी हो रखी है, ऊपर से बैक पैनल टूट गया, बस शुक्र है कि भाई डिस्प्ले नहीं गया, और भाई ऐसे इधर फिजिक्स वाले भी ये भी जा रहे हैं भाई यार। अबे भाई ये अपनी फिजिक्स वाला है क्या? नहीं, ये अपनी नहीं है, देखूं तो पहले थोड़ा था आगे चल के। अरे भाई ये तो पारू ली है, ओ भाई वही है, रुक, बट इस किसके साथ है भाई ये? अरे हाय कर लो, पागल हाय। अरे यार कहाँ कोचिंग, हे भगवान, ए आगे आगे कौन है भैया पिटेंगे। अरे भाई साहब
भैया की फिटिंग। अरे भाई पीछे ही और रखो, नहीं तो भैया पीट देंगे, सही बता रहे हैं। रुको यार कहाँ गया ये है, पागल। आगे आगे रुकना, आगे रुकना, आगे रुकना। ओ भाई गजब यार, इसकी कोचिंग भाई इधर है तो मैं थोड़ा पहले पीछे ही हो जाऊंगा। भैया पीट तो यहीं रुक रहे हैं क्या, यहीं रुक रहे हैं, यहीं रुक रहे हैं, आगे आगे रुक रहे हैं, जान दो जान दो, रुक रहे, इंडिकेटर दिए, ये मुड़े मुड़ गए मुड़ गए मुड़ गए। भाई ये चिकित्सा अधिकारी में रुक रहे हैं, मैं भाई इधर ही रहता हूँ, नहीं तो वाट लग जाएगी। भैया के निकलने तो भाई तभी मैं चलता हूँ, क्या बताऊँ चलूँ कि ना चलूँ यार, उसके पास उसके भैया निकल ही नहीं रहे हैं कब से। चलो छोड़ो ऐसे सीधे चला चलता हूँ, देखेंगे मिले ठीक है, नहीं तो है तो है तो है तो है तो हाय। मैं कहाँ गया, हाँ यही काम था है मुझे पीछे ही करने का। यहाँ क्या कर रही हो भैया, मेरे अंदर गए, मैं छोड़ के गया हूँ कॉफी से। देख लेते हैं, तो बैंड कर दे, चॉकलेट को दे रहे थे। अरे तो चॉकलेट तो पता है मैं हमेशा लिया रहता हूँ बैग में, टॉफी चॉकलेट भाई देने के लिए। प्लानिंग नहीं है सही कसम से, होता भाई ने अब तुम्हारी सिविल लाइन कोचिंग है, मेरा फोन टूट गया था देखी कल, ये देखो पहले गिरा? अरे यार कल घर जा रहा था यार, हाँ से साला छूट गया, रोड पे गिर गया। अरे चलो आ जाएंगे बाहर में, तुम्हें देख लेंगे। तो क्या यार डरता हूँ क्या तुम्हारे भैया से, नहीं डरता। तो चलो मिला देती हूँ, आ जाओ। नहीं 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 भाई वैसे भी गाड़ी उड़ी खड़ी है। यस डीएम तो जान पहचान उनकी बैंड बजा देंगे तुम्हारी। अरे चलो जाओ डरता नहीं ठीक है, चलो चलो। नहीं नहीं जा रहा हूँ मेरा कुछ काम है। बस हवा निकल गई। तो कहाँ जा रही हो अभी, अभी कहाँ जा रही हो? चलो छोड़ दूँ, भैया देख लेंगे यार फिर प्रॉब्लम हो। अरे नहीं नहीं आओ चलो छोड़ देता हूँ, चॉकलेट वो देखा मेरे को खिला देना यार, मैं सोचा आधा आधा खाएंगे। चलो बाय बैठो फिर, चलो तुम्हें कोचिंग छोड़ देता हूँ, जल्दी निकल लो बाहर हो। चलो मैं तो सोचा तुम्हारे भैया के सामने तुम्हारी बैंड बजा दूँ। मेरी क्या बैंड बजाओगे, वो तुम्हें देख रहे थे तो पीट देते, ऐसे चॉकलेट दे रहे रास्ते में, सब देख रहे थे। अरे सब देखने दो, मैं तुमको अरे तो कैसे आज भैया के साथ आ गई यार, मैं नहीं समझ में आ रहा है। सही है तो कभी मिलो आओ भैया भैया से। अरे यार भाई मजे भी ना लूं। ठीक है मिलवा दूंगी ना बिल्कुल। हाँ हाँ अपने हिसाब से मिल लेना तुम पागल। सो चलो सो गाइस यार इस ब्लॉग के यार यहीं पे करते हैं एंड, और देन इसको यार छोड़ देता हूँ मैं कोचिंग के लिए, और अपना भाई फ़ोन बनवाने के बाद देन तब अपडेट मैं दूंगा। तो भाई मिलते हैं फिर किसी अनदर ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई। और भाई आई होप आप लोग भाई ऐसे सपोर्ट बनाए रखें, दिखाते रखें। तो मिलते हैं यार फिर किसी अन्य ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।